गार्जियंस को इस तरीके से, क्योंकि प्रशासन और सरकार गार्जियन के रूप में यहाँ पर है, उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाना चाहिए। और विस्थापन इतना आसान नहीं है, क्योंकि चमोली जिले में आज भी 700 कुछ लोग पिछले कई वर्षों से। जो रिस्पांस होना चाहिए था, केवल जो खतरे में है उनको होटल में रख दो, या जहां घर मिले स्कूल में रख दो, नगर पालिका में रख दो, इस रिस्पांस की मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं होती। मुख्यमंत्री राज्य के सर्वोच्च निर्णायक है, और न उनसे केवल इतनी अपेक्षा होती है कि वो ये कहेंगे कि 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता, जो बाद में शायद उनको खुद ही जहर लगी, उसको पास कर दें। जबकि वैसे जो कल संघर्ष समिति के लोगों सबकी राय से हमने उसको कहा कि जो पहला वार्ड है वहाँ जब समाधान उसमें गए थे, हमने लोगों के ज्ञापन भी लिए थे और उसमें चिट्ठी हम मुख्यमंत्री को दे चुके 7 महीने पहले करे कि हाँ क्या स्थानीय कि करण मेहरा या कांग्रेस यहाँ आज से सक्रिय है। दिक्कत यह है कि जो तात्कालिक विधायक थे, जब इसका खराब रूप सामने आने लगा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए था कि उन्होंने जब यहाँ के एनजीओ ने, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब इस बात को रखा तो 2021 से लेके वो अभी तक कहाँ थे, उन्हीं की सरकार थी और वो उस समय विधायक थे और पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये प्रश्न तो उनसे होना चाहिए, विपक्ष से प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। वो विपक्ष जो लगातार बिजनेस में एकदम स्लंप आ गया, जो जोशीमठ इस समय खिलखिलाता हुआ लगता था, उत्साह में भरा हुआ लगता था, भरा पूरा लगता था, वो जोशीमठ इस समय उदास सा, रुहासा सा है। जो लोग सानी लोग यहाँ पर कुछ अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, वही सब दिखाई दे रहे हैं जो है। तो आपने अहेतुक सहायता कम से कम 50,000 रुपया, और उसमें पीड़ित रंगपीड़ित का डिस्टिंक्शन भी नहीं है, यहाँ के वो हैं। मैं तो उसमें सबको सम्मिलित करता हूँ, चाहे हमारे मीडिया के दोस्त हों और दूसरे दोस्त हों, शासन अधिकारी हों। और एक इंस्ट्रक्शन माने मुख्यमंत्री को देना चाहिए था कि प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ लेवल के तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक विस्थापन, ये ऐसा नहीं है कि आए और गए और आदेश जारी कर दिया, इसको सुपरवाइज करने की जरूरत।